बहुत समय पहले की बात है, सोनापुर नामक गांव में जूही अपनी सौतेली मकावेरी और सौतेली बहन दिव्या के साथ रहा करती थी। जन्म देते समय ही जूही की मां की मृत्यु हो जाती है। जूही बहुत छोटी थी, उसे मां की जरूरत थी, इसलिए जूही के पिता राम प्रकाश कावेरी से दूसरा विवाह कर लेते हैं। कावेरी ने शुरू शुरू में तो जूही को बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे कावेरी ने जूही के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दिव्या भी जूही से बहुत जलती थी, क्योंकि जूही बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसकी सुंदरता में चार चांद उसके काले घने सुंदर रेशम जैसे बाल बनाते थे। कावेरी जूही से घर के सारे काम कराती थी और उसके बाद ही उसे कॉलेज जाने की परमिशन देती थी। जूही को पढ़ना था इसलिए वह सभी काम समय पर करती थी और कॉलेज जाती थी। कॉलेज में भी जूही के बालों की बहुत चर्चा थी। ऐसे ही एक दिन कुछ लड़कियां जूही से कहती हैं, अरे यार जूही, तेरे बाल कितने ज्यादा सुंदर हैं, पूरे कॉलेज में तेरे जैसे सुंदर बाल किसी के भी नहीं हैं। हमें भी बताना कि तू आखिर अपने बालों पर क्या लगाती है, हम भी तेरे जैसे बाल करना चाहते हैं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल सुंदर हों, बिल्कुल तेरी तरह। बताना यार तू क्या लगाती है। ओह माय गॉड, तुम्हें इस जूही की बच्ची के बाल सुंदर लगते हैं? मुझे तो कहीं से भी सुंदर नहीं लगते, उजड़ा चमन लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक सुंदर बाल देखे नहीं है कि सुंदर बाल कैसे होते हैं। मामूली से तो बाल हैं और तुम इन्हें सुंदर बता रही हो। अपने आँखों को टेस्ट कराओ, शायद तुम्हारा नंबर बढ़ गया है। हाँ हाँ दिव्या, हमें अच्छी तरह से पता है, जो ही तेरी सौतेली बहन है ना, तो तू इसे पसंद नहीं करती, तो तुझे इसके बाल क्यों पसंद आएंगे। तो इसके बालों से जलती है, क्योंकि ना तेरे बाल इसकी तरह सुंदर हैं और ना ही तो जूही की तरह सुंदर दिखती है, इसलिए ही तो उसकी सुंदरता से जलती है, पूरा कॉलेज जानता है। खैर यह सब बातें छोड़ो जूही, आज तो तुम्हें बताना ही होगा आखिर तुम्हारे सुंदर बालों का राज क्या है। संजना, मैं अपने बालों को ज्यादा कुछ नहीं लगाती, बचपन से ही मेरे बाल ऐसे हैं, क्योंकि मेरी माँ के बाल भी बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। शायद मेरे बाल भी मेरी माँ पर ही गए हैं। और वैसे अगर बालों की अच्छी केयर करो, समय समय पर तेल लगाओ, केमिकल शैम्पू से दूर रखो, तो शायद सभी के बाल अच्छे हो जाएं। और संजना, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आज के बाद तुम दिव्या से इस तरह से बात मत करना। देखो वह गुस्सा होकर यहाँ से चली गई, पता नहीं अब घर जाकर वह मेरे साथ क्या करेगी। ऐसा कहकर जूही दिव्या के पास जाती है और उससे कहती है, दिव्या अभी जो संजना ने तुमसे कहा, प्लीज तुम उसका बुरा मत मानना। तुम तो जानती हो कि वह ज्यादा बोलती है, हंसी मजाक करती है, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। तुम्हारे बाल भी बहुत सुंदर हैं। प्लीज कॉलेज में जो भी कुछ हुआ तुम माँ को जाकर मत बताना, वरना वह मेरी बहुत पिटाई करेंगी। इससे पहले भी जब तुमने माँ को शिकायत लगाई थी तो उन्होंने मुझे कितना मारा था और चार दिन तक खाना भी नहीं दिया था। प्लीज दिव्या तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ, तो माँ को जाकर कुछ मत बताना। माय फुट, मैं तेरी बात क्यों सुनूं? तेरी वजह से आज कॉलेज में मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। तू तो हवा में उड़ रही थी ना, क्योंकि सब तेरी सुंदरता की, तेरी बालों की तारीफ कर रहे थे। तुझे क्यों बुरा लगेगा कि लोग मुझे बुरा कहें? तू तो चाहती है कि तेरे सामने मेरी इंसल्ट हो, सब मुझे भला बुरा कहें। माँ से तो मुझे तेरी शिकायत लगानी ही होगी, तेरा कॉलेज बंद करवाना ही होगा, तब तुझे पता चलेगा। जूही के बहुत समझाने के बाद भी दिव्या उसकी एक नहीं सुनती और घर जाने के बाद अपनी माँ से एक में चार चार झूठी बातें लगाकर अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनकर कावेरी आग बबूला हो जाती है और वह बेचारी जूही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, मनहूस, मैंने तुझे कॉलेज जाने की परमिशन देकर लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए, तेरे दोस्तों ने मेरी बेटी की सुंदरता का मजाक उड़ाया, उसे भला बुरा कहा और तूने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। इसकी सजा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी, अब तो कॉलेज नहीं जाएगी, तेरा घर से बाहर निकलना बंद, घर में रहकर नौकरानी की तरह काम करेगी, यही तेरी औकात है। हाँ हाँ मम्मी, यह आपने बहुत अच्छा फैसला लिया, अगर ये घर से बाहर नहीं जाएगी तो कोई इसकी सुंदरता की और सुंदर बालों की तारीफ भी नहीं करेगा और न ही कॉलेज में सभी लड़कियाँ इसे मुझसे ज्यादा सुंदर बताएंगी।
माँ यह आप क्या कह रही हो, एग्जाम होने वाले हैं, अगर मैंने एग्जाम नहीं दिए तो यह मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। माँ दिव्या गुस्से में वहाँ से चली गई थी, लेकिन दिव्या के जाने के बाद मैंने उन सभी लड़कियों को समझाया, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरा कॉलेज बंद मत कीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ माँ, प्लीज़ मेरा कॉलेज बंद मत कीजिए, आप मुझसे जो भी काम करने के लिए कहेंगे मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मेरा कॉलेज बंद मत कीजिए माँ। बेचारी जूही अपनी सौतेली माँ के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन कावेरी को मानो जैसे कोई भूत सवार हो, वह जूही की एक नहीं सुनती और उसका कॉलेज जाना बंद कर देती है। जूही को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह अब बस 24 घंटे घर में रहकर घर के काम करती, झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े, खाना बनाना, बस इसी में उसका पूरा दिन गुजर जाता। और वहीं दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी ऐश कर रही थी, दिव्या पार्टी करती है, शादी में जाती है, कॉलेज जाती है, दोस्तों के साथ घूमती है, फुल एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सरिता अपने बेटे के साथ कावेरी के घर आती है। सरिता मोहल्ले की सबसे अमीर औरत थी। तभी कावेरी उससे कहती है, अरे सरिता बहन, आप हमारे घर क्यों आई? मुझे बुला लिया होता मैं तुरंत आपके घर आ जाती। अरे नहीं नहीं कावेरी बहन, यह आप कैसी बातें कर रही हो? आप तो जानती ही हो कि मेरा बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा था, अभी लौटा है, और एक दिन तुम्हारी बेटी को मेरी बेटी ने देख लिया, अब वह तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। अरे सरिता बहन, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो, आप जैसे बड़े घराने में अपनी बेटी की शादी करना तो सौभाग्य की बात है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आज से दिव्या तुम्हारी हुई। कावेरी बहन आप गलत समझ रही हैं, मैं दिव्या की नहीं जूही की बात कर रही हूँ, वैसे तो जूही मुझे पहले से ही बहुत पसंद थी, अब मेरे बेटे को भी पसंद आ गई तो बस इसलिए रिश्ता लेकर आ गई, तो फिर मैं इस रिश्ते को पक्का ही समझूं? ठीक है। सरिता और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कावेरी अंदर ही अंदर आग बबूला होती रहती है कि जूही का इतने बड़े घराने में रिश्ता पक्का कैसे हो गया। ऐसे ही समय बीत रहा था, एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। तभी दिव्या अपनी माँ से कहती है, क्या मम्मी आज भी आप हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेंगे? हमारे घर की नौकरानी जो हमारे झूठे बर्तन साफ करती है, हमारे गंदे कपड़े धोती है, आज उसके इतने अच्छे लड़के से इंगेजमेंट होने जा रही है और आप तमाशा देख रही हैं? आप कुछ नहीं करेंगे? सुमित से मेरी शादी होनी चाहिए, उस मनहूस की नहीं, आप कुछ भी कीजिए लेकिन इंगेजमेंट होने मत दीजिए, आगे आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है। हाँ बेटा कह तो बिल्कुल सही रही है, सुमित से शादी तो तेरी होनी चाहिए, उस मनहूस की नहीं, इंगेजमेंट शाम का है ना, इसके सुंदरता और सुंदर बालों की वजह से ही सरिता और उसका बेटा इस पर फिदा है, अब देखना आगे आगे मैं करती क्या हूँ, ना रहेगा बांस और ना ही बाजेगी बांसुरी, मनहूस का ऐसा हाल करूंगी कि कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा, बहुत खुश हो रही है ना, अब इसकी खुशियों को ग्रहण लगाती हूँ। ऐसा कहकर कावेरी जूही के पास एक शैम्पू लेकर जाती है, जिसके अंदर कावेरी ने ऐसा केमिकल डाल रखा था जिसे लगाते ही जूही के सारे बाल खत्म हो जाते, और जूही के पास जाकर बहुत प्यार से उससे कहती है, जूही बेटा तू अभी तक शाम के एंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं हुई, चल ठीक है जब तू शावर ले तो यह शैम्पू लगा लेना, तेरे बाल और भी ज्यादा सुंदर लगेंगे, पहले ही मेरी बेटी के बाल इतने सुंदर हैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और मैंने अब से पहले जो तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, अब तो कुछ दिन की है, कुछ दिन बाद परा ही हो जाएगी। माँ मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस आप मुझे अपनी बेटी मान ले, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा ठीक है, जब मैं शावर लूंगी तो आपका दिया हुआ शैम्पू जरूर यूज करूंगी। बेचारे जूही, उसे ऐसा लगता है कि उसकी शादी होने वाली है तो उसकी सौतेली माँ सुधर गई, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे उसकी सौतेली माँ ने कितना खतरनाक चेहरा छुपा रखा है, उसकी सौतेली माँ उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। जूही खुशी खुशी शावर लेने चली जाती है और शावर लेते लेते बेचारी के सारे बाल झड़ के नीचे गिर जाते हैं और वह पूरी तरह से गंजी हो जाती है। यह देखकर जूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं यह क्या हो गया, लगता है मेरी सौतेली माँ ने जानबूझकर मुझे ऐसा शैम्पू दिया जिसके अंदर केमिकल था, जिसे लगाते ही मेरे सारे बाल चले गए, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची, आज मेरी एंगेजमेंट, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे और यहाँ मैं गंजी,
सब मुझे देखकर मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, मेरा ऊपर कितना हंसेंगे। सुमित जी, जिन्हें मेरे बाल पसंद थे, वह मुझे देखकर शादी करने से साफ इनकार कर देंगे, क्योंकि जो चीजें पसंद थी वही खत्म हो गई। यह क्या अनर्थ हो गया। मुझे लगा था शादी हो जाएगी तो मुझे मेरी सौतेली माँ के अत्याचार से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उनकी बातों में आकर मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। ये क्या हो गया। ऐसा कहकर जूही बहुत रोती है और बहुत हिम्मत करती है, पार्टी में चली जाती है। जूही को देखकर सब उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। तभी सुमित कहता है, मम्मी मैं इस गंजी से शादी नहीं करूंगा, इसके बाल ही तो सबसे ज्यादा सुंदर थे, अब वही नहीं रहे, चलिए यहाँ से, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है। जूही बहुत रोती है और दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। वह जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो गया। जूही से यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता और वह घर छोड़कर एक जंगल की तरफ रोते हुए भागी चली जाती है। और तभी वह रास्ता भटक जाती है और एक ऐसे जंगल में जा पहुँचती है जहाँ पर एक तरफ जादुई सोने के हेयर बैंड की नदी बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी के हेयर बैंड की नदी बह रही थी, जिसे देखकर जूही चौंक जाती है। अरे मैं कहाँ आ गई, मुझे तो घर जाने का रास्ता भी नहीं पता, और ये मेरे सामने क्या है, सोने और चांदी के हेयर बैंड की नदी। ऐसा अद्भुत नजारा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जूही ऐसा सोच ही रही थी तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आ जाती है और वह जूही से कहती है, इस जंगल में आज तक कोई नहीं आया, और अगर तुम यहाँ पर आई हो और तुमने जादुई सोने और चांदी के हेयर बैंड की नदी देखी है, तो इसका मतलब तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ खींच कर लेकर आई है, लगता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। जादूगरनी के इतना कहते ही जूही रोने लगती है और रो रोकर अपनी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर जादूगरनी को भी बहुत दुख होता है। तभी वह जादूगरनी जूही से कहती है, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी सौतेली माँ को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही दुष्ट है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाल पहले की तरह सुंदर आ जाएं और तुम बहुत ज्यादा अमीर भी हो जाओ, तो यह जादुई सोने का हेयरबैंड लगा लो। मगर मैं कब से किसी इंसान की तलाश कर रही थी जो नेक और अच्छा हो, अगर तुम जादुई चांदी के हेयरबैंड लगाओगी तो तुम्हारे बाल नहीं आएंगे और ना ही तुम्हें धन दौलत मिलेगी, बल्कि तुम जादुई चांदी के हेयरबैंड नदी के अंदर जाकर वहाँ जो 10 जल परियां बीमार हैं उनकी सेवा करनी होगी पूरे 10 साल तक, और तुम्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बताओ तुम क्या चाहती हो, बाल धन दौलत या फिर जल परियों की जान बचाना चाहती हो, जो सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। जादूगरनी जी, मेरे साथ जितना बुरा होना था वह हो गया, अगर जादुई चांदी के हेयरबैंड की नदी के अंदर जाने से, जल परियों की सेवा करने से वह ठीक हो जाती हैं, तो यह पुण्य का काम जरूर करना चाहूंगी। मेरे लिए खुशी की बात होगी कि किसी की जिंदगी मेरी वजह से वापस आ जाएगी, मुझे बाल धन दौलत यह सब कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जादुई चांदी का हेयरबैंड लगाकर नदी के अंदर जाना चाहती हूँ, जल परियों की सेवा करना चाहती हूँ। जूही के इतना कहते ही जादूगरनी जादुई चांदी के हेयरबैंड की नदी से उसे एक जादुई चांदी का हेयरबैंड दे देती है, जिसे लगाते ही जूही के बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाते हैं, आधे सोने के और आधे चांदी के। जूही पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सामने सोने और चांदी के सिक्के भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जूही चौंक जाती है। तभी जादूगरनी कहती है, सच में जूही तुम बहुत अच्छी हो और लालची तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें बालों की जरूरत थी फिर भी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, अगर तुम लालच में आकर जादुई सोने के हेयरबैंड की नदी का जादुई सोने का हेयरबैंड लगाती तो शायद तुम्हारे बाल कभी ना आते, मगर तुम्हारी अच्छाई की वजह से, तुम्हारे नेक दिल की वजह से तुम्हें सब कुछ मिल गया, जाओ एक हंसी खुशी जीवन बिताओ। जादूगरनी की बातें सुनकर जूही खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी घर आ जाती है। जूही को इतने ज्यादा सुंदर और सोने और चांदी के बाल देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं और उसके साथ इतनी सारी धन दौलत भी। तभी कावेरी जूही से कहती है, क्यूरी मनहूस तू तो पूरी तरह से गंजी हो गई थी, फिर अचानक तेरे इतने ज्यादा सुंदर सोने चांदी के जैसे दिखने वाले बाल कहाँ से आए, और तेरे पास सोने चांदी के सिक्के, जल्दी बता यह सब तू कहाँ से लेकर आई है।
अपनी सौतेली माँ के पूछने पर जूही अपनी सौतेली माँ और बहन को सब बता देती है, जिसे सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और तुरंत जादुई सोने और चांदी के हेयर बैंड की नदी के पास पहुँच जाती हैं। दोनों से भी यही सवाल होते हैं तो दोनों माँ बेटी लालच में आकर जादुई सोने के हेयर बैंड की नदी का जादुई सोने का हेयर बैंड चुनती है और जादूगरनी दोनों माँ बेटी को जादुई सोने का हेयर बैंड दे देती है, जिसे लगाते ही दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उनके बाल हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत रोती हैं। उन्हें उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ जूही के अच्छे स्वभाव की वजह से उसके पास जादुई चांदी का हेयर बैंड था, जिसकी मदद से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, सोनापुर नामक गांव में दो बहनें प्रीति और काजल अपनी सौतेली माँ कमला के साथ रहा करती थी। प्रीति और काजल के पिता प्रेमदास ने कमला से दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि वह प्रीति और काजल की अच्छी देखभाल कर सके, लेकिन उनका यह फैसला गलत साबित होता है क्योंकि कमला की पहले ही एक बेटी थी गुनगुन, जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी। कमला ने प्रेमदास से शादी सिर्फ उसकी धन दौलत हासिल करने के लिए की थी। कमला बेचारे दोनों बहनों के ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार क्या करती थी। काजल, ओ मनहूस काजल कहाँ मर गई? बस 24 घंटे आराम ही करती रहती है, घर में इतना सारा काम है वो तो दिखाई नहीं देता। काजल, ओ मनहूस काजल कहाँ मर गई? जल्दी मेरे पास आ। क्या हुआ माँ? मैं अभी बाजार से सब्जी लेकर आई हूँ, मेरे पास चप्पल नहीं है, इसलिए रास्ते में कांटे और पत्थर मेरे पैर में ना चुभ जाए बच बच कर जा रही थी, इसलिए समय लग गया। माँ मुझे चप्पल दिला दीजिए। क्यों मनहूस, पैसे क्या पेड़ पर लग रहे हैं? जो मैं तुझे नई चप्पल दिलाऊं, जैसी भी है टूटी फूटी उन्हीं से गुजारा कर, अगर नहीं है तो नंगे पैर चल, मेरी बला से तेरे कांटे चुभे या फिर पत्थर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुझे नई चप्पल नहीं दिलाऊंगी। मम्मी मम्मी आपको पता है आज मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल घूमने गई थी, तभी मैंने वहाँ पर देखा बहुत अच्छी सेल लगी है, इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, उन्हें देखकर तो मेरा मन ही आ गया, ड्रेस सैंडल मेकअप बहुत अच्छी सेल लगी है। मम्मी जी जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मुझे शॉपिंग करनी है। अरे क्यों नहीं मेरी शहजादी बिटिया, मेरी बिटिया को कोई चीज पसंद आए और उसकी माँ उसे ना दिलाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 10,000 रुपए क्या, मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए देती हूँ, ये लो तुम्हें जो पसंद आता है लेकर आ जाओ, चूड़ियाँ कपड़े सैंडल मेकअप कुछ भी, मेरी बच्ची की मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। माँ आप मुझे 100 रुपए की चप्पल भी नहीं दिला रही और अपनी बेटी को 10,000 रुपए की जगह 20,000 रुपए शॉपिंग करने के लिए दे रही हैं। पिताजी को आने दीजिए, मैं उन्हें सब बताऊंगी कि आप प्रीति दीदी और मेरे पर कितना अत्याचार करती हैं, हमें फटे पुराने कपड़े देती हैं और पूरे दिन में सिर्फ एक ही समय खाना देती हैं। लगता है मनहूस कल की पिटाई भूल गई, रुक तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर कमला बेचारी काजल की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और जब उसका पिटाई कर भी पेट नहीं भरता तो वह उसे एक रूम में बंद कर देती है। तभी प्रीति कमला को रोकती है, लेकिन कमला प्रीति की एक नहीं सुनती और प्रीति से कहती है, देख मनहूस लड़की, तेरी बहन को 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, उसने मुझे धमकी दी है अपने पिता को सब बताने की, अपनी बहन को समझा देना वरना अच्छा नहीं होगा, आगे से अगर उसने मुझे जवाब देने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों बहनों की जबान खींच लूंगी, और मैंने जो तुझे काम दिया था कपड़े धोना इस्त्री करना और गेहूँ पीसना वह कर दिया है या फिर तू भी पिटाई खाने के मूड में है। माँ मैंने कपड़े भी धो दिए हैं, इस्त्री भी कर दी है और पूरी रात जाकर गेहूँ भी पीस दिए हैं, देखिए मेरे हाथ में छाले भी पड़ गए। हाँ छाले पड़ गए तो मैं क्या करूँ, तुम दोनों बहन रोटी नहीं खाती क्या? रोटी खाओगी तो काम तो करना ही पड़ेगा, अब मेरा खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है, ये तो तूने काम कर दिया है और सुबह के बर्तन जो गंदे हैं उन्हें कौन साफ करेगा, चल जल्दी से बर्तन साफ कर और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेकर आ। बेचारे प्रीति के हाथ में छाले पड़ रहे थे, फिर भी बेचारी सारा काम करती है, घर की सफाई करती है, सारे बर्तन साफ करती है और उसके बाद कमला के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है और अपनी सौतेली माँ के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, माँ मैंने सभी काम कर दिया है, काम करने के बाद आप जो एक समय का खाना देती हैं वह मुझे दे दीजिए और माँ काजल का भी खाना दे दीजिए, उससे गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि वह आपके सामने जबान ना चलाए, वह छोटी है, माँ उसे छोटी समझकर माफ कर दीजिए। नहीं मम्मी आप उस काजल की बच्ची को खाना मत देना, भूखे पेट रहेगी तभी अकल ठिकाना आएगी, सोचिए मम्मी उस नौकरानी ने आपको धमकी दी है, कमला देवी को धमकी।
हाँ मेरी बच्ची, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं उस करमजली को खाना नहीं दूंगी। देख प्रीति की बच्ची, अगर तुझे अपने हिस्से का खाना लेना है तो ले, वरना जा तू भी भूखे पेट सो जा। वैसे भी एक समय खाना नहीं खाओगी तो तुम दोनों बहन मर तो नहीं जाओगी। प्रीति अपनी सौतेली माँ से अपने हिस्से की एक सूखी रोटी लेकर आ जाती है। माँ ने तो सिर्फ मेरे हिस्से की एक ही रोटी दी है और काजल को दो दिन तक खाना भी नहीं मिलेगा। मैं मेरी बहन को भूखा नहीं देख सकती। यह एक रोटी माँ से छुपकर मैं काजल को दे देती हूँ। ऐसा सोचकर प्रीति अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन से छुपकर अपने हिस्से की वह सूखी रोटी काजल के पास ले जाती है और उससे कहती है, छोटी यह ले एक ही रोटी है, इसे खा लेना। और हाँ, इस बात की खबर माँ और गुनगुन दीदी को नहीं लगनी चाहिए। मगर दीदी, यह आप मुझे अपने हिस्से की रोटी मत दीजिए, मैं भूखे रह लूंगी। आप तो पूरे घर का काम करती हैं, कल सुबह उठकर फिर से दोबारा से घर का सारा काम करोगी। इस रोटी की मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है, आप इसे खा लीजिए। दोनों बहन एक सूखी रोटी एक दूसरे को खिलाना चाहती थी। फिर दोनों बहन एक रोटी को आधी आधी कर खा लेती हैं और पानी पीकर सो जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। प्रीति और काजल के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार हो रहा था। एक दिन काजल गुनगुन की चूड़ियां उसके पास लेकर आ रही थी, लेकिन तभी काजल का पैर स्लिप हो जाता है और वह गिर जाती है और गुनगुन की सभी चूड़ियां टूट जाती हैं। जब इस बात की खबर गुनगुन को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है और बेचारी काजल की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और किचन से गरम गरम चिमटा लेकर आती है और काजल का हाथ जला देती है और उसके बाल खींचकर कहती है, क्यों री नौकरानी, तुझसे देख कर नहीं चला जाता? तूने मेरी इतनी महंगी और ब्रांडेड चूड़ियां तोड़ दी। मुझे अच्छी तरह से पता है यह सब कुछ तूने जानबूझकर किया है, क्योंकि मम्मी तो तुम्हें ऐसी चीज दिलाती नहीं है, तो तुम मेरी चीजों से जलती हो, इसलिए तूने मेरी चूड़ियां तोड़ी हैं। दीदी दीदी, मेरे बाल छोड़े, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। आपने एक छोटी सी गलती के लिए मेरी कितनी ज्यादा पिटाई की, फिर मेरा हाथ जला दिया। कृपया करके अब मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। काजल के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद गुनगुन उसे छोड़कर बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी काजल प्रीति के पास जाती है और रोते हुए उससे कहती है, दीदी देखिए ना, हमारी किस्मत कितनी खराब है। माँ तो हमें पहले ही छोड़कर चले गई और पिताजी भी हमारे साथ नहीं रहते। हमारी दुष्ट सौतेली माँ हमारे पर कितना अत्याचार करती है और आज तो देखिए हद ही पार हो गई। गुनगुन दीदी ने मामूली से कांच की चूड़ियाँ टूटने की वजह से मेरी कितनी पिटाई की, मेरा हाथ जला दिया, मुझे कितना दर्द हो रहा है। लेकिन अब हमारी सौतेली माँ मुझे इस पर लगाने के लिए दवाई भी नहीं देंगी। दीदी कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। नहीं छोटी, मरने की बात नहीं क्या करते, मैं अभी इस पर टूथपेस्ट लगा देती हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। और दोबारा से मरने की बात मत करना, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। ऐसा कहकर प्रीति के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बहन के जले हाथ पर टूथपेस्ट लगाती है। जहां बेचारी प्रीति और काजल इतना बुरा जीवन जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुनगुन एक शहजादी वाली जिंदगी जी रही थी। गुनगुन जब चाहे जितने पैसे अपनी माँ से लेती, उन्हें पार्टी में अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिया करती। एक दिन प्रीति और काजल सब्जी लेने जाती हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिनसे रोड क्रॉस नहीं हो रही थी। तभी दोनों बहनें उनका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करा देती हैं। तभी वह बूढ़ी औरत कहती हैं, तुम दोनों बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, मगर इतनी गर्मी में और इतनी तेज धूप में तुम दोनों बहन नंगे पैर, मगर क्यों? और बेटा, तुम्हारे हाथ में कितनी चोट लगी है, तुम्हारे कपड़े भी फटे पुराने हैं। बेटा ऐसा क्यों है? तुम्हारे हाथ में तो फल इतनी सारी सब्जियां देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि तुम गरीब परिवार से हो, अच्छे घराने से लग रही हो। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर दोनों बहनें रोने लग जाती हैं और अपनी आप बीती उस बूढ़ी औरत को बताती हैं। तभी बूढ़ी औरत कहती है, ऐसी दुष्ट और अत्याचारी सौतेली माँ, ऊपर वाला किसी को ना दे, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी से जादुई चूड़ियाँ देती हूँ। मैं जादुई बुढ़िया हूँ और हमेशा इसी तरह से लोगों की परीक्षा लेती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, आओ मेरे साथ चलो।
ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत दोनों बहनों को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी के पास ले जाती है, जहाँ से एक तरफ जादुई सोने की चूड़ियाँ बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की चूड़ियाँ बह रही थी। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, प्रीति बेटा, तुम जादुई चांदी की चूड़ियाँ पहन लो, इन्हें पहनकर तुम्हें कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा, सारा काम खुद ही हो जाएगा। और काजल बेटा, तुम जादुई सोने की चूड़ियाँ पहन लो, इससे तुम्हारे हाथ के जख्म भी ठीक हो जाएंगे और तुम जादुई सोने की चूड़ियों से जो भी कुछ खाने के लिए पहनने के लिए मांगोगी तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा। अरे वाह अम्मा जी, यह जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी की जादुई चूड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। देखो जादुई सोने की चूड़ियाँ पहनते ही मेरे जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। दोनों बहनें खुशी खुशी घर चली जाती हैं। अब प्रीति और काजल जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच रही थी। कमला कितना भी ज्यादा काम कितने भी कम समय के लिए देती, प्रीति जादुई चांदी की चूड़ियों की मदद से उस काम को तुरंत कर देती। कमला दोनों बहनों को सूखी रोटी देती, लेकिन दोनों बहनें उस रोटी को नहीं बल्कि जादुई सोने की चूड़ियों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना लेकर उसे खाती और पेट भरकर खाती। लेकिन वह जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों के बारे में अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को पता नहीं लगने देती। लेकिन गुनगुन को यह बात हजम नहीं हो रही थी। तभी वह एक दिन अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं बहुत समय से नोट कर रही हूँ, दोनों मनहूस नौकरानी बहनें बहुत खुश रह रही हैं, हम दोनों बहनों के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, और आपने कल काजल की कितनी ज्यादा पिटाई की थी और उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं है, और ऐसे हंस रही थी जैसे उसे पिटाई का कोई असर ही नहीं हुआ, पहले तो एक थप्पड़ मारने पर कितना ज्यादा रोती थी। हाँ मेरी गुड़िया रानी, गड़बड़ तो है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। इस तरह से दोनों माँ बेटी प्रीति और काजल के ऊपर नजर रखने लगती हैं। तो एक दिन प्रीति जादुई चांदी की चूड़ियों से कह रही थी, जादुई चांदी की चूड़ियाँ तुरंत घर की सफाई हो जाए। जादुई सोने की चूड़ियाँ, बहुत तेज भूख लगी है, हमारे सामने पिज्जा बर्गर नूडल्स यह सब आ जाएं। अच्छा तो महारानी तुम्हारे पास जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ हैं और तुम दोनों ने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। अभी बताती हूँ, क्यों करमजली जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती हो। अगर तुम्हारे पास जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। मम्मी यह जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ मुझे चाहिए, कितनी ज्यादा सुंदर है, यह चूड़ियाँ इन नौकरानियों के पास नहीं बल्कि मेरे पास होनी चाहिए। तुम्हें आवाज नहीं आ रही, यह जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ हमें देती हो या फिर हम तुम्हें जान से मार दें, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं जो कहती हूँ उसे कर देती हूँ, अगर अपनी जान प्यारी है तो यह चूड़ियाँ उतार कर मुझे दो। जैसे ही कमला यह जान से मारने की धमकी देती है तो दोनों बहनें डर जाती हैं और अपनी जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ कमला को दे देती हैं। और जैसे ही गुनगुन वह जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ पहनती है तो उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून निकलता है, वह बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। तभी जादुई सोने की चूड़ियों से आवाज आती है, कमला तुम दोनों ने मिलकर जो प्रीति और काजल के ऊपर अत्याचार किया था यह उसी की सजा है। अब पता चला जब खून निकलता है तो कितना ज्यादा दर्द होता है, और तुमने तो जानबूझकर बेचारियों के ऊपर कितना अत्याचार किया है। जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ, गुनगुन दीदी को बहुत दर्द हो रहा होगा, कृपया करके उन्हें छोड़ दो। प्रीति के इतना कहते ही कमला के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह प्रीति और काजल से माफी मांगती है। कमला के आंसू सच्चे थे और वह सच्चे दिल से माफी मांग रही थी। तभी जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां गुनगुन को बिल्कुल ठीक कर देती है। तुम दोनों बहनें कितनी ज्यादा अच्छी हो, हमने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया फिर भी तुमने हमें जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों के कहर से बचा लिया, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्चियों, आज के बाद मैं तुम्हें सौतेली माँ नहीं बल्कि सगी माँ जैसा प्यार दूंगी, आज से मेरी एक नहीं तीन तीन बेटियाँ हैं, आ जाओ मेरे गले लग जाओ। इस तरह कमला प्रीति और काजल के अच्छे स्वभाव की वजह से सुधर जाती है और उन्हें बिल्कुल सगी माँ जैसा प्यार देती है। अब दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ हंसी खुशी रहती हैं।